जय श्री राधे भक्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आइए पुनः एक बार फिर आपसे मुलाकात हो गई इस YouTube चैनल के माध्यम से। यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र अति शीघ्र कर लीजिए, क्योंकि हम और आप कार्तिक मास में पुण्य प्राप्त कर रहे हैं कार्तिक की कथाओं का लाभ लेकर। आइए आज का सत्र आरंभ करते हैं हरि नाम कीर्तन से। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। आइए आज का अध्याय श्रवण करते हैं, जो कि 23वां अध्याय है। श्री नारद जी बोले, हे राजन, वहां बोए हुए उन तीन बीजों में आंवला, मालती और तुलसी, ये तीन वृक्ष उत्पन्न हुए। सरस्वती ने दत्त बीज से रजोगुण वाला आंवला, लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त बीज से सतगुण वाली मालती और गौरी के द्वारा तमोगुण वाली तुलसी उत्पन्न हुई। स्त्री रूप धारण किए हुए तीन वृक्षों को देखकर भगवान विष्णु का मोह टूट गया। कुछ कामासक्त चित्त से विष्णु भगवान ने प्रेम से उनकी ओर देखा और तुलसी तथा धात्री भी अनुराग पूर्वक भगवान विष्णु को देखने लगे। जो बीज पूर्व ही में लक्ष्मी द्वारा ईर्ष्या से दिया गया था, इसी कारण उसमें ईर्ष्या करने वाली स्त्री मालती उत्पन्न हुई। लक्ष्मी के बीज से यजमान विष्णु ने ईर्ष्या के कारण मालती बर्बरी इस नाम से प्रसिद्ध हुई और धात्री तथा तुलसी विष्णु में अनुराग रखने से उनकी प्रीति करने लगे। विष्णु भगवान उस दुख को भूलकर धात्री तथा तुलसी के साथ प्रसन्न होकर सब देवताओं से नमस्कृत होते हुए अपने वैकुंठ में चले गए। इस कारण कार्तिक में उद्यापन में तुलसी की जड़ में विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का जंगल में जिसके घर में वर्तमान है वह घर तीर्थ स्वरूप है। उस घर में यम के दूत नहीं आते। सब पापों का नाश करने वाला, अभिष्ट फल को देने वाले जो प्राणी तुलसी का वन लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। भगवती नर्मदा का दर्शन, गंगा स्थान तथा तुलसी के वन का सत्संग, ये तीनों बराबर पुण्य प्रदान करते हैं। तुलसी वृक्ष के लगाने से, जल सींचने से, दर्शन से, तुलसी को छूने से कायिक वाचिक मानसिक आदि स्वरूप पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से विष्णु भगवान और शिवजी का पूजन करते हैं वे गर्भ में पुनः नहीं जाते, निसंदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समग्र तीर्थ, गंगा आदि संपूर्ण नदियों और विष्णु
प्रभृति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के साथ जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी उसे यमराज नहीं देखने आते। हे राजन, जो लोग तुलसी को काष्ठ का चंदन लगाते हैं, तुलसी के साथ उनका मुक्ति हो जाती है, उनके द्वारा किए हुए पाप भी शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहां जहां तुलसी के वन की छाया हो वहां पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उनके निमित्त दिया हुआ वहां का दान सर्वदा के लिए अक्षय होता है। हे राजन, आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं उनके पितर यदि नरक में भी यातनाओं को भोग रहे हो तो वो भी मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुख और देह में जो आंवला के फल को धारण करते हैं उनको विष्णु रूप जाना जाता है। आंवले के फल, तुलसी की माला और द्वारिका की मिट्टी जिसके शरीर पर हमेशा लगी रहती है वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। आंवले और तुलसी दलों को जल में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उनका गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फलों से देवता का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्ण, मणि और मोतियों के समूह द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ ऋषि देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुल्य राशि में रहे तब आंवले के वृक्ष के वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी का दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रौरव नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके एक वर्ष के अन्न ससर्ग और उत्पन्न दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक में आंवले की जड़ में जो विष्णु का पूजन करता है उसको विष्णु क्षेत्रों में पूजा का फल मिलता है। आंवला तथा तुलसी की महत्वता का वर्णन करने में ब्रह्मा भी असमर्थ हैं। जिस प्रकार की विष्णु भगवान के महात्म का वर्णन कोई नहीं कर सकता, आंवला तथा तुलसी की उत्पत्ति कथा को जो मनुष्य स्वयं सुनता और सुनाता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। और इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। आप सब प्रेम से कहिएगा राधे राधे।